हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ स्मार्ट वर्ल्ड, अ स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हिंदी चैप्टर नंबर 8, जन्मदिन, जो कि प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने लिखी है, उनके बारे में दिया हुआ है। उनका जन्म 11 मार्च 1929 में जौनपुर खरोना में हुआ था। उनकी रचनाएं विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि। उनका परिचय, आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन में संलग्न हैं। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं कौन हूँ, सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो। पहला, बगीचे के फल, फूल तोड़ना मना है, जैसे फल सब्जी लेकर घर आओ। तीसरा, चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो। चौथा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। पाँचवा, बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताएं। गर्मी पड़ने लगी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले, सूरज आग बरसने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता, अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ, इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूँ, बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात नहीं है, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में ना हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा, नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख पर आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी, कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाई बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े, सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुँच गए। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी ना होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, इससे उसकी प्यास नहीं बुझी, फिर भी वह खाने में जुट गया। दो चार कोर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी, वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी, वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुँह बनाकर बोली, क्या बताऊँ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ। अड़ोस पड़ोस में ही देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा।
लेकिन इस आश्वासना से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। मतलब इस लाइन का मतलब यह है कि आश्वासन मतलब इससे भी कि जो आंटी ने बोला उससे भी बबलू को कोई राहत नहीं मिली, उनके बोलने से भी बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था, खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उससे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का भी भरकर बदला जो लेना था, जैसा अब पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का भी भरकर बदला जो लेना था, मतलब जो बबलू पानी बर्बाद करता था, टंकी खोल देता था, घंटों घंटों तक नहाता था, तो अब ऐसा लग रहा है कि अब पानी जो है वो बबलू से बदला ले रहा है कि तुम मुझे इतना क्यों बर्बाद करते थे बेफालतू का। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया, वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों मैं तो भूल ही गया कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया, कमरा ठंडी हवा से भर उठा, बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ झटपट भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बछाएं बाहें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कर मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच बाहर सड़क की नाली में जीवन निकाले हाफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने का बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं। अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना, माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब ना रखे। माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी ने के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाया कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखें। बच्चों इस पूरी कहानी में जो प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने ये बताया गया है कि एक जो बच्चा था बबलू वो पानी बहुत बर्बाद करता था, तो वो हमेशा पानी को खुला छोड़ देता था और टोटी को घंटों घंटों तक नहाता था, बिजली को भी खुला छोड़ देता था। जब वो कमरे में नहीं भी रहता था तब भी कूलर उसका पंखा चलता ही रहता था, जो बिल्कुल गलत बात है। इस आदत को सुधारने के लिए उसकी माँ और उसकी मौसी ने एक प्लान बनाया कि उन लोगों को कैसे सुधारा जाए। तो उन्होंने एक दिन इसके बिना कैसे रहा जाता है उसका एहसास करवाया उन्हें। ना बिजली थी ना पानी थी, कि मतलब बताया कि अगर ये ना हो तो हमारी ज़िंदगी कैसे ठप पड़ जाती है। इस चैप्टर में पूरी तरह से बेसिकली हमें बताया गया है और इसके बारे में और बच्चों इस कहानी में ये भी बताया गया कि बिजली पानी ये सारी हमारे लिए कितनी आवश्यक चीज़ है, कितनी ज़रूरत की चीज़ है, और इसके बिना हमारा एक दिन भी नहीं रह सकता। तो सोचिए अगर हम इस तरह से इसे बर्बाद कर देंगे तो हमारा जो आगे के लोग हैं, हमारे भविष्य हैं, या आप खुद सोचिए जब आप बड़े होंगे तो अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी कैसे रहेगी। क्योंकि गर्मी बढ़ेगी सब कुछ बढ़ेगा, अगर ये जल नहीं रहेगा तो आपका भोजन कैसे चलेगा। ठीक है बच्चों।